हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप पहले के वीडियो में देख चुके हैं किस तरह से हम किसी भी कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाते हैं। इफ़ इल्स के माध्यम से भी आप देख चुके हैं, नेस्टेड इफ़ के माध्यम से भी देख चुके हैं। तो चलिए आज हम स्विच केस के माध्यम से देख लेते हैं किस तरह से हम कोई कैलकुलेटर बनाते हैं, वो भी साइन के साथ, यानी कि उसका सिंबल डालने के बाद। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम 6 एंटर किए, फिर यहाँ पर एडिशन किए, जैसे यहाँ पर लिख भी रहा है इंटर द एनी सिंबल, फिर यहाँ पर हम 8 क्लिक किए तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया 14। तो इस तरह से हम एक प्रोग्राम को लिखने वाले हैं स्विच केस के माध्यम से। इसमें किसी भी तरह का इफ़ इल्स कंडीशन का यूज़ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोग्राम को रन कराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, तो 0 रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम प्रोग्राम को रन कराने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से प्रोग्राम को लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना हेडर फाइल लिख लेंगे। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंट मैन। यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल ले लेंगे, जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं 3, जिसमें हम 2 में यूज़र से कोई भी डाटा इंटर करवाएंगे और तीसरे में हम रिज़ल्ट को प्रिंट करेंगे। और यहाँ पर एक हम कैर टाइप का ले लेते हैं, जिसमें हम साइन को स्टोर करेंगे। इन सब का किस तरह से यूज़ करना है ये आप आगे देख लेंगे। प्रिंट एफ, इंटर द फर्स्ट नंबर, फिर यहाँ पर स्कैन एफ लगाएंगे। एड्रेस ऑफ ए, फिर हम यहाँ पर साइन इंटर करवाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी यूज़र कोई नंबर इंटर करने के बाद कोई साइन इंटर करेगा, तो हम वहाँ इसके लिए प्रिंट ऑफ कर रहे हैं। प्रिंट ऑफ यहाँ पर हम हिंट भी दे रहे हैं किस तरह का आप साइन इंटर कर सकते हैं। आप सिर्फ इन्हीं चारों साइन को ही इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं चारों साइन को आप इंटर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं। तो हम यहाँ पर स्कैन अप करते हैं। स्कैन अप में हम जो कैरेक्टर वैल्यू रखे हैं, यानी कि जो कैरेक्टर हम वेरिएबल बनाए हैं, उसे हम इसमें स्टोर करेंगे। एड्रेस ऑफ डी, तो आपको पता ही है कि सी जो है इस कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रिंट ऑफ लगाएंगे, यानी कि दूसरा नंबर लेंगे। फिर यहाँ पर स्कैन ऑफ, हमारा इतना हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना स्विच केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्विच। तो हमें क्या चेक करना है कि जो साइन इंटर किया गया है वो किस तरह का साइन है। जिस तरह का साइन है उस तरह का ऑपरेशन होगा। जैसे मान लीजिए प्लस का साइन है तो प्लस होगा, दोनों नंबर का एडिशन होगा। अगर माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, इस तरह से। तो हमें साइन को चेक करना है। तो साइन हम स्टोर किए हैं किस पर, कैरेक्टर जो वेरिएबल बनाए हैं उस पर। तो वेरिएबल का क्या नाम है, डी। तो हम यहाँ पर डी इंटर कर दिए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस बनेगा, केस प्लस साइन का। अगर मान लीजिए हमारा साइन प्लस हो, यानी कि डी का वैल्यू प्लस हो, तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बस इतना करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर करना है ब्रेक। यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे, फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, यानी कि आगे।
तो यहाँ पर हम केस बनाएंगे दूसरा माइनस साइन का, और यहाँ पर लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि ये सभी जितने भी वैल्यू हैं वो सी पर जाकर स्टोर हो जाएंगे। इतना है ब्रेक केस, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन है आपको पता ही होगा, ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड के बाद हमें रिमाइंडर नहीं बल्कि हमें उसका जो रिज़ल्ट आता है वो लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम, जैसे कि आपको पता ही होगा, परसेंट का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम डालेंगे केस इसी तरह से होता है, फिर यहाँ पर हम करेंगे सी इज इक्वल टू ए बी, फिर यहाँ पर लगाएंगे ब्रेक। तो हमें यहाँ भी चेंज करना होगा, जो हम परसेंट डाले हैं इसे परसेंट को हटाकर ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ब्रेक हो गया, ठीक है। इतना प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम नेक्स्ट जब बढ़ेंगे तो अब हमें सी को प्रिंट भी करना है, ठीक है। तो सी को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट बनाना होगा। अगर मान लीजिए इन चारों साइन में से कोई दूसरा साइन अगर इंटर कर दिया गया तब क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, फिर यहाँ पर हम करेंगे क्या, प्रिंटर, यहाँ पर इनकरेक्ट, सिंबल, इनकरेक्ट सिंबल का हम एक मैसेज प्रिंट कर दिए, और इस प्रोग्राम से हम बाहर निकल गए। ये हमारा केस बंद हो जाएगा, और यहाँ पर रिटर्न लगा देंगे हम, और इससे हम बाहर, ठीक है। इतना हो गया, लेकिन अब हमारा एक दिक्कत रह जाता है ये कि हम सी को प्रिंट कहाँ करें, जो सी हमारा रिज़ल्ट आया है उसे प्रिंट हम कैसे करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ ऐसे करते हैं, जो हम जो डिफ़ॉल्ट बनाया गया है, डिफ़ॉल्ट में हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर देंगे, जो गो टू का प्रयोग पहले भी देख चुके हैं कैसे किया जाता है, गो टू जेट, फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे जेड, ठीक है। और इससे पहले हम प्रिंट ऑफ करा देते हैं रिजल्ट को, रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी, कहाँ किसका वैल्यू है, ये सी का, सी के वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करा दिए। इतना हो गया हमारा, तो यानी कि सी का वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को रन करा कर देख लेते हैं किस तरह से ये आता है। तो यहाँ पर रन किए हम, यहाँ पर इंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम इंटर किए 3, और यहाँ पर एनी साइन इंटर करना है तो हम प्लस किए, फिर उसके बाद इंटर द सेकेंड नंबर, 7th कर दिए, हमारा 10 आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हम कोई और नंबर डालते हैं 7 माइनस माइनस मान लीजिए 9 इंटर कर देते हैं, जैसे कि आपको पता ही है क्या आंसर आना चाहिए, तो -2 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो इसमें हम कुछ जैसे कोई भी सिंबल नहीं डालते हैं, कुछ रैंडम वैल्यू डाल देते हैं, जैसे ये सेकेंड नंबर भी पूछ रहा है इनकरेक्ट सिंबल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से कि हम यहाँ पर कोई और सिंबल डालें तो यहाँ पर इनकरेक्ट सिंबल बोला। अगर मान लीजिए हमें 4 सिंबल्स का इसमें यूज़ किए हैं, जैसे प्लस एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, तो इस तरह से आप 4 सिंबल्स का यूज़ करके इस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और सिंबल डालिएगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम
यहाँ पर इंटू कर रहे हैं 9 के साथ, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है सही से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इसमें कैलकुलेटर का स्विच केस के माध्यम से कैलकुलेटर का यूज़ कर लिए हैं। तो आप इस तरह से प्रोग्राम अपने बना सकते हैं स्विच केस के माध्यम से भी। आप ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ इस तरह से प्रोग्राम है हमारा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम देखेंगे नया प्रोग्राम नए लॉजिक के साथ अगले वीडियो में।